चालू वित्त वर्ष के आखिरी महीने मार्च में जीएसटी कलेक्शन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। मार्च महीने में जीएसटी वसूली की रकम बढ़कर 1.06 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इस तरह इसने पिछले साल हुए कलेक्शन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। देश में जीएसटी व्यवस्था लागू होने के बाद ये अब तक की सबसे अधिक वसूली है। इससे पहले फरवरी महीने में 97,247 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह हुआ था। जीएसटी अनुपालन में सुधार के साथ रिटर्न की संख्या बढ़ने से जीएसटी संग्रह में तेजी आई है। मार्च महीने में कुल 1,06,577 करोड़ रुपए का जीएसटी राजस्व प्राप्त हुआ। इसमें केंद्रीय जीएसटी यानी सीजीएसटी संग्रह 20,353 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी यानी एसजीएसटी 27,520 करोड़ रुपए और एकीकृत जीएसटी यानी कि आईजीएसटी 50,418 करोड़ रुपए रहा है। साथ ही उपकर 8,286 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ है। 31 मार्च 2019 तक संक्षिप्त बिक्री रिटर्न या GSTR 3B भरने वालों की संख्या 75.95 लाख रही। जीएसटी व्यवस्था लागू होने के बाद से मार्च 2019 में सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ। मार्च 2018 की तुलना में इसमें 15.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक साल पहले मार्च में जीएसटी कलेक्शन 92,167 करोड़ रुपए रहा था। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान औसत मासिक जीएसटी संग्रह 98,114 करोड़ रुपए रहा। ये पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 9.2% अधिक है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि जीएसटी की दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए उठाए गए कदमों से हाल के महीनों में जीएसटी राजस्व में तेजी आई है। सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटी संग्रह का लक्ष्य 13.71 लाख करोड़ रुपए से घटाकर 11.47 लाख करोड़ रुपए कर दिया था। अब नए वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जीएसटी संग्रह का लक्ष्य 13.71 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट।